Welcome, Tiger. Any news? Good news for victory, Mr. Jack. Maal hifazat se tikane pahunch gaya hai. Ah, very good. Thank you. Welcome. पापा कारोबारी दौरे पर गए हैं, जल्दी आएंगे बेटी। राधे बेटा। पापा। अरे अरे छोना छोना बेटा, कैसे लगा बेटा? पापा, आप कितने दिन काम करने चले जाते, गरीब लोग काम करके जाया करते रहते, और साथ मैं भी। बेटी, आपके पापा का दुनिया इंतजार करती है, इसलिए ये दूसरों के दुख दर्द को अपना ही दुख दर्द समझते हैं। बोलो, आप लोगों को मेरा इंतजार क्यों करवाते हैं? इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं बमय सबूत के जैक को आपके सामने पेश कर दूंगा। लगता है तुम्हें कोई अहम सबूत मिल गया है। नहीं सर, अगर मेरे पास सबूत होता तो जैक आज आपके सामने खड़ा होता, लेकिन बहरहाल हम तमाम साथी उसके खिलाफ सबूत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ तो मिस्टर खान, जैक के मुतालिक तुम्हारे पास क्या मालूमात है? सर, मेरी मालूमात के मुताबिक जैक कोई देसी ही आदमी है जिसने विलायती नाम रखा हुआ है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, मगर सवाल ये पैदा होता है कि इख्तियारात और वसायल होने के बावजूद जैक अभी तक पसे पर्दा क्यों है? अब वो पसे पर्दा नहीं रहेगा सर, हम लोग बहुत जल्द उसे बेनकाब करके उसके घिनौने खेल का खात्मा कर देंगे। तुम्हारे साथ का रिकॉर्ड के मुताबिक तुम्हारी बात का यकीन किया जा सकता है मिस्टर अजमत। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अजमत प्लीज, अब बस भी करो, 12 बज चुके हैं, रात के भी और तुम्हारी सूरत पर भी। क्या मतलब है तुम्हारा, मैं सरदार जी बन गया? मेरा ये मतलब नहीं, दिन रात काम करते करते तुम्हारी सेहत इतनी गिर चुकी है, ना तुम्हें खाने का होश है ना सोने का, मामूली सी तनख्वाह के लिए जिंदगी दांव पर लगा रखी है तुमने। बानो, दुआ करो कि मैं ये दांव जीत जाऊं। आजकल मैं जिस मिशन पर काम कर रहा हूं, अगर वो पूरा हो गया तो तुम्हारा अजमत कानून की अजमत बन जाएगा। हेलो, अजमतुल्लाह स्पीकिंग। मुझे यकीन था कि आप अभी तक जाग रहे होंगे डीएसपी साहब। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? आपकी दोस्ती। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है डीएसपी साहब, आप जैक के रास्ते से हट जाएं, आपका हिस्सा आपके घर पहुंच जाया करेगा। बकवास बंद करो, मुझे खरीदना चाहते हो तुम डीएसपी अजमतुल्लाह को? ये तो दस्तूर है दुनिया है डीएसपी साहब, इस पोस्ट पर जो भी आता है बिकता है तो ठहरता है, वरना अजमतुल्ला मर तो सकता है, बिक नहीं सकता। तुम्हारी ये आरज़ू भी पूरी कर दी जाएगी अजमतुल्ला, तुम नहीं जानते कि जैक के हाथ कितने लंबे हैं। कानून की हथकड़ी भी छोटी नहीं होती मिस्टर, इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तुम्हारे जैक के लंबे हाथों में होगी। ये सीक्रेट बातें हैं जो टेलीफोन पर नहीं हो सकती, आप ऐसा करें टाइगर से मिल लें। इस शख्स की मौजूदगी में हमारा काम दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है जैक, ना ये पिकता है और ना चुकता है, कई दफा हमारा माल पकड़ चुका है। इसे शायद ये नहीं पता कि जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। एक तो तुम्हारा ध्यान काम में नहीं होता। ओहो, दूध ही गिरा है, जाने दो। लेकिन दूध गिरना अच्छा शगुन नहीं होता। जनाब, मैं हैरान हूँ कि आजकल की पढ़ी लिखी औरतें भी दखियानूसी ख्याल। बस बस रहने दो, बुजुर्गों की कही हुई बातें दखियानूसी नहीं होती। अच्छा, चलेगी, रही ध्यान। तुम्हें घर में आने के बाद और कुछ नहीं सोचता? तुम्हें क्या सूझ रहा है? अरे बेटे, आप तो हैं ही पुलिस ऑफिसर। साहबजादे, आप पढ़ते कब हैं जो आप पुलिस ऑफिसर बनेंगे, हर वक्त तो क्रिकेट खेलते रहते हैं। भाई, पढ़ाई के साथ खेल भी होता है ना। अब
जो आपने टाइम टेबल मुझे दिया था उसके मुताबिक मैं वक्त पर करता हूँ, वक्त पर चलता हूँ और वक्त पर सो जाता हूँ। वेरी गुड, बेटा किसका है? हेलो, बोल रहा हूँ। क्या तुम चारों तरफ से नाकाबंदी करो, मैं अभी आता हूँ। खैरियत तो है? हीरोइन की एक बहुत बड़ी खेप का पता चला है, मैं जा रहा हूँ, तुम लोग सो जाना, ना मालूम मुझे कितनी देर होगी। अस्मत, ये कैसी नौकरी है, दिल को हर वक्त धड़का सा लगा रहता है। बानो, पुलिसमैन की जिंदगी कानून की बालादस्ती के लिए वक्फ होती है, तुम दिल छोटा ना करो। खुदा हाफिज, गॉड बी विद यू। सर, आपके हुक्म के मुताबिक तमाम इलाके की नाकाबंदी कर ली गई है। गुड, काफी मिकदार में वहाँ हेरोइन का स्टॉक मौजूद है, जो आज रात जैक कहीं और मुंतकिल करना चाहते हैं। आज रात वो स्टॉक हमारे कब्जे में होगा और जैक भी। इंशाल्लाह, फॉलो मी। तरफ से पुलिस के घेरे में हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूं कि अपने आप को कानून के हवाले कर दो। मैं 5 तक गिनूंगा, अगर उस वक्त तक तुम लोगों ने अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो अपनी तबाही के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। मुझे अपनी फिक्र नहीं है सर,
दुख इस बात का है कि जैक बचकर निकल गया। वो बचकर कहीं भी नहीं जा सकता रमतुल्ला, वो बचकर कहीं भी नहीं जा सकता। अजमत, ये क्या हो गया? अजमत, ये क्या हो गया? अब्बू, सब्र करो बानो, हिम्मत से काम लो। तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारा शौहर। नहीं नहीं अजमत, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारूंगी? तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम ये जिंदगी खुदा के सहारे गुजारोगी, और फिर हमारा बेटा भी तो है। रो नहीं पाता, रो नहीं, ये खुदा का हुक्म है और तुम्हारे मुजाजी खुदा का भी। डॉक्टर, रुक जाओ बानो, दुनिया का अब कोई डॉक्टर मुझसे मेरी नई जिंदगी नहीं छीन सकता। वादा करो बानो, तुम सिकंदर को मेरे दक्ष कदम पर चलाओगी, उसका ख्याल रखना, वादा करो, वादा करो। मैं वादा करती हूँ अस्मत, तुम्हारा मिशन जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा अस्मत। इंशाल्लाह, इल्लल्लाह से अपने सीने धड़कते हैं, कलमा नबी का पढ़ने वाले मौत से भी कब डरते हैं। दीन की खातिर मरने वाले मर के भी नहीं मरते हमारे रास्ते का कांटा तो हट गया है, मगर हमें नुकसान बहुत हुआ जैक। नहीं टाइगर, नहीं, हम एक तीर से दो शिकार करने के आदि हैं। अगर एक तरफ से हमें लाखों का नुकसान हुआ है तो दूसरी तरफ से ऐन उसी वक्त करोड़ों का माल भी भेज दिया गया है। माय गुडनेस, क्या बात है तेरी जैक। पुलिस को एक तरफ लगाकर करोड़ों का माल दूसरी तरफ भेजने का इस दफा भी कामयाब हो गया है, और सारे एक वतन परस्त पुलिस ऑफिसर की जिंदगी का खात्मा भी। इसलिए हमें यह सौदा महंगा नहीं बल्कि बहुत सस्ता पड़ा है। इसलिए तो जरायम की दुनिया में जैक का नाम सरफहरिस्त लिया जाता है। तुम पढ़े लो आइसक्रीम खाओ। करूंगा नहीं तो डीएसपी कैसे बनूंगा? बस तुम तो हर वक्त पढ़ते ही रहते हो, तुम भी तो हर वक्त आइसक्रीम ही खाती रहती हो। पकड़ लो बटन्टे वरना गिर जाएगी। ओहो, क्या बात है भाई, क्यों शोर मचा रही हो? क्या कहीं आग लग गई है? तुम्हें क्या लगे, तुम्हारी तरफ से सारे जहान को आग लगे, तुम्हें तो अपनी पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। लो भाई आइसक्रीम खाओ। ओहो, अरे भाई अब हम कोई बच्चे तो है नहीं, ये आइसक्रीम अब तुम ही खाओ। एक तो तुम्हारे नखरे बड़े हैं, हम कौन से बूढ़े हो गए हैं। वैसे एक बात है सिकंदर, मुझे लगता है इस बार टॉप तुम करोगे। भाई सीधी सी बात है, जो मेहनत करेगा वो टॉप करेगा। मेहनत तो मैंने भी बहुत की है जनाब। हाँ लेकिन अपने कपड़ों पे की है। क्या कपड़ों पे की है? लो हर वक्त खाती रहती हो। जीरे के बचाई में तुम लोग ऐश करो। जा जा। सिकंदर तुम फिर यहाँ नजर आए? अपने काम से काम रखना जवान, शायद तुम नहीं जानते हम किसके आदमी है। अगर आइंदा तुम यहाँ हेरोइन बेचते हुए नजर आए तो अपने पैरों पर वापस नहीं जा सकोगे। Ah!
अब अपनी खैर मनाओ जवान। अबे खैर के बच्चे, चले जाओ यहाँ से वरना तुमको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अब हम तो जा रहे हैं लेकिन तुम्हें इससे भुड़का बना कर लाना होगा। हम मस्ती खान के आदमी हैं और मस्ती खान के हाथ बहुत लंबे हैं। तेरे मस्ती खान की भी ऐसी की तैसी। क्या हुआ भाई? कोई हिरवेनी है मरा हुआ पड़े तेरे साथ ऐसे ही होना था बेटा। आखिर तू अपने अंजाम को पहुंच गया ना बेटा, मर गया ना तू, इसलिए कि तू मस्ती खान की हीरोइन पीता था और हीरोइन पीने वाला उसी दिन मर जाता है जिस दिन वो हीरोइन शुरू करता है। मस्ती खान की हीरोइन ने तुझे मार डाला ना, मार डाला ना, मर गया, खा गई, मर गया ना। ए मस्ती खान खान हस्ती मिटा देता है। अबे उस पढ़ाकू लौंडे की ये मजाल कि उसकी गालियां खाकर वापस आ गया खामोशी के साथ। मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, उसकी मजाल ही क्या है? अरे फकीरू, अगर ये चार जमातें पढ़ने वाले छोकरे अपनी किताबों में हाथ डालने की बजाय हमारे आदमियों पर हाथ उठाने लगे तो फिर ये धंधा कैसे चलेगा? आप आके बंद करके सो जाएं बड़े उस्ताद, उस चोगरे से हम खुद ही निमट लेंगे। मस्ती खान एक आंख से सोता है, अगर दूसरी आंख भी बंद कर लूं तो तुम लोग दूसरी सांस नहीं ले सकते। मैं जानता हूं उस्ताद, लेकिन शेर के साथी भी शेर ही होते हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम लोगों में ये गीदर कहां से पैदा हो गया? मैं किसी बड़े खड्डे की वजह से खामोश हो गया था उस्ताद, वरना तेरी भैंसों का दूध आज दिन रगों में पारा बन के दौड़ता है। वाह 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 वाह, कहता ये भी ठीक है। अरे उस्ताद, हम भी आपके जान सारे, तो खल उस लड़के का टांगे और पैर थोड़ करके आपकी किस्मत में हम पेश कर दें। अरे ना 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 ना, कपड़ा सिर्फ धोना है, निचोड़ना नहीं है। वसीयत से पहले नसीहत जरूरी है। अगर वो फिर भी बाज ना आए तो मजबूरन उसका जनाजा निकाल कर उसके पिछलों को रुला भी देना तो आपका एक बात बताऊं, आप किसी को बोलेंगे तो नहीं, आपका बेटा पास हो गया। हाँ, टॉप किया है मैंने। मुबारक हो बेटे, मुबारक हो। थैंक यू। और मेरी बेटी? हाँ, ये मेरे पीछे है, यानी कि सेकंड। चल हट, तंग करता है उसको, कोई बात नहीं बेटा। तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरे बच्चों को उनके। हाँ, सिला दिया है और इसी खुशी में मैंने आप दोनों को मिठाई का डिब्बा और लड्डू दिया है। लो लो, खाओ खाओ, खाओ मंदा। अरे खाओ, छोड़ो ये डाइटिंग वाइटिंग, खाओ कुछ भी हो तो खाओ। ले लो बेटा, ले लो। आंटी, अगर आप इजाजत दें तो हम दोनों ये खुशखबरी अपने पापा को सुनाए। हाँ क्यों नहीं, आओ चलो चलो। सिकंदर, मम्मी आपकी इजाजत हो तो। ठीक है, इजाजत है। हाँ, अरे राबिया बेटी, अपने पापा को भी मेरी तरफ से मुबारकबाद देना। ठीक है। हाँ तो भाई चलो ना। तुम्हारे बेटे ने कामयाबी हासिल करके तुम्हारी अजमत का निशान बना दिया है, लेकिन न जाने क्यों तुम्हारे बगैर ये सब कुछ आंसू बनकर बह जाते हैं। ये लो गुलू बाबा, और उन गरीबों में बांध दो, मुझे गरीबों की मदद करते हुए सुकून मिलता है। अरे यार, इतना इंतजार कराते हो।
आजकल वैसे सख्ती बहुत है, जल्दी से पैसे निकालो और मार लो। आराम आराम से यार, ये लो पैसे, एक एक दो पुड़िया मुझे दे दो, दे दो सबको यार। मैंने तुम लोगों को बार बार समझाया है लेकिन फिर भी तुम लोग सीधे रास्ते पर नहीं आए। आज मैं तुम लोगों को थाने पहुंचा कर ही रहूंगा। चलो मेरे साथ, मैं कहता हूं चलो मेरे साथ। अरे ओ ताले वाली, छोड़ दे से। अच्छा तुम भी इनके साथी हो, चले जा बरकरदार, यहां से 9-2-11 हो जा। अरे ओ जाओ इधर से, नहीं तो तुम्हारा पढ़ा लिखे हम बुला देगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कहो लेकिन मैं तुम लोगों को मासूम नौजवानों की जिंदगियों से खेलने की इजाजत नहीं दे सकता। अरे ओ तुम इधर से जाता है या नहीं? तुम्हारी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई, तुम इसके अहल भी हो और हकदार भी। थैंक यू सर। इस पोस्ट के लिए तुम्हारे वालिद की खिदमत रिकॉर्ड पर है, वो नहायत ईमानदार और वतन परस्त इंसान था। मुझे यकीन है कि तुम अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलो। माशरे को जुर्म और बुराइयों से पाक करने के लिए तुम अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरबुकार लाओ। सिकंदर को अब तक आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आया। थैंक यू आंटी तीरा। सिकंदर आ गया आंटी। अच्छा जी, शर्मा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। मुबारक हो अम्मी जान, आज मेरी अपॉइंटमेंट हो गई है। माशाल्लाह, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्यों जनाब, वर्दी में कैसे लग रहा हूँ? एकदम हलाकू खान लगते हो। हाँ हाँ, चुड़ैलों को तो मैं हलाकू खान ही लगूंगा। हाँ देखो आंटी, इसने फिर मुझे चुड़ैल कहा। बस नहीं, बस फिर झगड़ा शुरू। सिकंदर चुप करके बैठो, ये लो। अच्छा आंटी, मैं आपको एक लतीफा सुनाओ। सुनाओ। एक सिख होता है, कहता है माँ जब मैं थानेदार बनूंगा तो सबसे पहले तुम्हें हथकड़ी लगाऊंगा। तो उसने भला क्या कहा? क्या कहा? कहने लगी बेटा, इसीलिए गुरु ने तुम्हें औकात में रखा है। अच्छा अच्छा, तो ये लतीफा सुनाया था, खत्म हो गया हंसी हंसी। लतीफा सुनाया था। आंटी अगर आप इजाजत दें तो मैं सिकंदर को साथ ले जाऊं। हाँ हाँ बेटा, इसमें इजाजत वाली क्या बात है। थैंक यू आंटी। अम्मी जान आप हमेशा इजाजत दे देती है, मुझसे भी तो मेरी मर्जी पूछ ली। तुम फिर बोलने लगे, चुप रहो। अब चलो भी। चलो चलो। जाने से पहले सरकारी वर्दी तो चेंज करो। क्यों? कहीं लोग ये ना समझे कि
एक वारदाती लड़की को पुलिस ऑफिसर पकड़ कर ले जा रहा है ना? काफी समझदार हो। हाँ हाँ, चलिए ब्लैक ब्यूटी, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। चलो चलो। गुल्लू बाबा, राबी आप जवान हो गई हैं। मुझे उसके बारे में बहुत परेशानी है। राबिया बेटी बहुत समझदार है मालिक, मुझे यकीन है वो आजादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। ये तो मुझे भी यकीन है, लेकिन तुम किसी वक्त मालूम तो करो शादी के बारे में उसका क्या ख्याल है। रखना प्यार का वादा सजना।
सर, टीआईजी साहब का फोन है सर। हेलो। यस सर। जी मैं बोल रहा हूँ। जी सर। जी हाँ सर, चार्ज तो मैंने ले लिया है, बस सर आपकी दुआएं चाहिए। जी जी राइट सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर चेहरे अपने किरदार का अक्स होते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? जी जी शेरू जी। शेरू, जिसका जुआ चलता है। कितना कमा लेते हो? बोलते क्यों नहीं? आप रहने दें, ये बोलेगा और जरूर बोलेगा। आपके इलाके का बदमाश है ना, जरा मुश्किल से बोलेगा। बल आप ऐसा करें, ये फाइलें लेकर डीआईजी साहब के पास जाएं, इससे मैं खुद बात करता हूं। यस सर। हाँ भाई, क्या प्रोग्राम है फिर? माई बाप, छोटे छोटे बच्चे ही मेरे। आराम के माल से पालते हो बच्चों को? नहीं साहब, मेहनत करता हूं। मेहनत? घोड़ी के दानों और ताश के पत्तों पर मेहनत। माल को हराम तरीके से डबल करने को तुम मेहनत कहते हो? जानते हो जुए के असरात क्या होते हैं? नौजवान नस्ल की बदहाली, कौम की तबाही और माशरे की बर्बादी। तुम जानते हो लोग जुआ खेलने के लिए पैसा कहां से लाते हैं? अपनी माओ का जेवर और बहनों का जेस तक बेच देते हैं, जो तुम्हारे लिए और उनके लिए शर्म की बात है। तुम जेब काटने के इल्जाम में कई बार जेल जा चुके हो, न जाने कितने घर उजाड़े होंगे तुमने, कितने बीमारों से दवा छीन के उन्हें मौत के हवाले किया होगा, कितने गरीबों की जेबें काट के उनके बच्चों को भूख और इफलास का शिकार किया होगा। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आज भी तुम्हारी हालत वही है, इसलिए कि तुम एक बेजमीर और बेहिस इंसान हो। मैंने ये धंधा छोड़ दिया सर। एक बेहिस और बेजमीर इंसान से सच के तवक्को नहीं की जा सकती। और तुम क्या चीज हो? सर मैं आपका नौकर हूं, वैसे तो मैं ठीक ठाक आदमी हूं, लेकिन आपके सामने तो सर किला हूं। तुम इस शहर के नौजवानों में मंशा की वबा फैला के अपने मखसूस तोने के लिए दौलत कमाते हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम इस मुल्क और कौम के मुस्तकबिल से खेलने वाले एक भयानक मुजरिम हो? मैं जानता हूं कि तुम सब लोगों के जुर्म नाकाबिले माफी हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर बन के नहीं, दोस्त बन के मशवरा दे रहा हूं कि अपने घिनौने और भयानक कारोबार को छोड़ के माशरे में तामीरी किरदार अदा करो। लेकिन याद रखो, अगर तुम लोगों ने इस मौके से फायदा नहीं उठाया तो फिर जिंदगी भर पछताओगे। तुम लोग जा सकते हो। अजय साईं, ये मस्ती खान क्यों नहीं आया? साईं वो बहुत खुद जोर है। तुम्हें तो मैं खुद मिलूंगा मस्ती खान। आएगा पहुंच? नहीं 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 नहीं, कल नहीं, परसों परसों। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, समझ गया समझ गया। आप फिक्र ना करें, मैं जी जी बिल्कुल फिक्र। आइए आइए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं जानता था आप जरूर आएंगे, इसलिए कि मैंने आपकी बहादुरी के चर्चे बड़े सुने हैं। आइए आइए बैठिए। मैंने तुम्हें थाने बुलवाया था, तुम आए क्यों नहीं? क्या करूं डीएसपी साहब, कारोबार से ही फुर्सत नहीं मिलती। देखिए आइए ना आइए। तुम जिसे कारोबार कहते हो वो कारोबार नहीं बल्कि एक लानत है। जबान संभाल कर बात करो डीएसपी साहब, तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा नाम मस्ती खान है। मैं जानता हूँ मस्ती खान वह हैवान है जो इंसानी जिंदगियों से खेलना फख्र समझता है। अरे छोड़िए साहब, आप नाराज हो गए। ये सेब खाइए, इसमें लोहा होता है, खालिस लोहा। इसमें लोहा हो या सोना, मैं हराम का माल नहीं खाता। हलाल की कमाई खाने वालों को भी मैं अच्छी तरह जानता हूं, कहो तो उनके नाम गिनवा दूं। कई पर्दा नशीनों के नाम आते हैं उनमें। मस्ती खान, दूसरों के जराइम गिनवा कर तुम अपने गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकते। मेरे गुनाह तो एक खुली किताब की तरह है साहब, लेकिन
उन मामूली तनख्वाह पाने वाले रिश्वतखोरों के बैंक बैलेंस, आलीशान कोठियां, लित नई गाड़ियां, ये किन्ने की कमाइयों की अक्कासी करती है। वक्त आने पर उनसे भी हिसाब लिया जाएगा मस्ती खान। फिलहाल मैं तुम्हें शराफत की दावत देने आया हूँ। कौन सी शराफत? वो शराफत जिसके बदले इंसान को भूख, अफलास, तंदस्ती और फाकों के सिवा और कुछ नहीं मिलता। डीएसपी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है, मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे बाप ने सिर्फ इसलिए एड़ियां रगड़ रगड़ कर जानती थी कि मेरे पास दवाई के पैसे नहीं थे, हम पाई पाई के मोहताज थे। लेकिन वक्त वक्त की बात है, दौलत आज मेरे घर की लौंडी है। तो दौलत जिसके बगैर इंसान न इज्जत की जिंदगी जी सकता है न मर सकता है। लेकिन ये मत भूलो मस्ती खान कि नाजायज दौलत इंसान से उसकी इज्जत और उसका ईमान भी छीन लेती है। ये सब खुद साख्ता बातें हैं साहब। दौलत तो वो चीज है जिससे दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, आपको भी, आपके कानून को भी। हम कानून की तौहीन कर रहे हो मस्ती खान। किस कानून की? अंग्रेज के कानून की, जिसकी हर दफा रिश्वत का दरवाजा खोलती है। लेकिन मैं राशि अफसर नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो इसी वक्त तुम्हें गिरफ्तार करके थाने ले जा सकता हूँ। किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार करने के लिए आपके पास क्या सबूत है? सबूत आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा मस्ती खान। लेकिन मेरा उसूल है कि मैं पहले दोस्त बनकर समझाता हूँ, और अगर फिर भी कोई बात ना माने तो डीएसपी सिकंदर खान बन जाता हूँ। ये लो यार, एक और लगाओ। ये लो यार, मछली आ रही है। मछली आ रही है? हाँ यार, इसका भी इलाज है मेरे पास। ये लो खाओ टॉफी, टॉफी खाओ यार। हेलो, ये क्या करेगी यार? हर चीज का मतलब पूछते हो तुम, इसे खाओ, ये बिल्कुल सही कर देगी तुम्हें। खाओ। क्या खा ले उस्ताद, हो जाए एक बाजी। अरे यार, ये तो जावेद मियां की मर्जी पे डिपेंड करता है। क्यों जावेद साहब? यार जैसे यारों की मर्जी। तो बांटू पते? हाँ बांटो भाई, माल तो निकाले। पैसे एतबार नहीं है क्या? एतबार की बात नहीं है जावेद साहब, देखे ये जुए का मामला है ना, आप तो समझते हैं ना। मस्ती खान का बहन हुई हूँ, कोई मामूली आदमी नहीं। घर पर कोई है? ओ घर वालो। भैया बबली, मेरी प्यारी प्यारी बहना। हो, 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 फिर वही बात, कितनी बार कहा है नौकरानी रख लो, नौकरानी रख लो। अरे पैसे की कोई कमी है? जरूर मिट्टी फांकनी होती है तुझे। छी, कमाता किसके लिए हा? मेरा है कौन तेरे सिवा? घर में हम सिर्फ दो ही अफराद है भैया, काम में दिल लगा रहता है जी। नौकरानी की क्या जरूरत? बिल्कुल ठीक। अच्छा जावेद कहाँ है? जब भी आता हूँ घर पर होता ही नहीं। सुबह से कहीं गए हुए हैं, कोई काम तो आप उन्हें करने नहीं देते। काम करने नहीं देते? अरे क्यों काम करने दूं? वो बहन भी किसका है? मस्ती खान का। ए मस्ती खान, इस औरत की बात पर ध्यान न दिया कर, ये पागल है, मस्तानी है। भैया आप ये कारोबार छोड़ क्यों नहीं देते? मेरा दिल हर वक्त कांपता रहता है, मजलूम की आह में बड़ा असर होता है भैया, और छिल जाता है। बस करो, तुम चाहती हो मैं भूल जाऊं अपने मां बाप को? गुरमत की अंधी भट्टी में जलते देखा है तुमने? नहीं देखा?
मैंने देखा है, याद है मुझे, मुझे याद है। वो दोनों बीमार थे, उनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, और आखिरकार वो अल्लाह को प्यारे हो गए, मैं यतीम बन गया। तो यतीम बन गए, हम दोनों यतीम बन गए। उस वक्त आज क्यों नहीं हिला था? उनकी तकदीर में यही लिखा था भैया। यही बुढ़िया के बेटे की तकदीर में भी लिखा था। रोजी, बेटे तुम नहीं जानती हो, मैंने बचपन से लेकर जवानी तक का फासला खुरदरे रास्तों पर चलकर गुजारा है। मैंने सीखा है इस दुनिया से, समझा है इस माशरे से कि गरीबी, मजबूरी और कमजोरी इस माशरे का सबसे बड़ा जुर्म है। भैया, अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता, मुझे मेरे पास बेटे, मेरे पास हर गम का इलाज है, वो है दौलत, दौलत का ढेर।
ओ चाचा बड़े सब होशियार ओ बाजी ओ चाचा और बड़े सब होशियार भेस बदल कर घूम रहे यहाँ पे बाप कितना ओ बाजी ओ चाचा और बड़े सब होशियार ओ बाजी ओ चाचा हम बड़े सब होशियार लक। अच्छा यार कीड़े कोई बात नहीं जुआ किसी का ना हुआ अरे सारा माल अकेला हजम करना चाहते हो शहजादे लाओ हमारे सभी क्यों तेरे हाथ टूट गए हैं क्या खुद नहीं कमा सकते साले मैं कहता हूँ अच्छे बच्चे की तरह माल मेरे हवाले कर दो नहीं तो क्यों रे तेरे बाप का कमाई है क्या जो तुझे दे दूं जा जा मेहनत करके कमा अरे हमको मेहनत करने की क्या जरूरत है कमाओगे तुम और खाएंगे हम चल रे साला बदमाश किनका है मिस्टर सीधी तरह माल हमारे हवाले कर दो नहीं तो हम छीनना भी जानते हैं अपन के हाथ से पैसे उड़ाने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत है मोटे लगता है तुम ऐसे ही नहीं मानोगे बाप बंदर की औलाद जी ओए सोनिया लगदा तो बलूंगड़ा है पर ताकत तो शेरों जैसी है वाह वाह अरे ना 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 अरे मारा गया बेचारा तो जाना ही पड़ेगा वो अकेला है मसीहान हाँ क्यों सोने हैं सब ठीक ठाक है ना चोट वोट तो नहीं आई ले गंदगी खा ले अपन का नाम लाली है रे लाली कौन सी उड़ने वाली ऊपर नहीं रे लाल वाला लाली अच्छा अच्छा वाली और वाला में कोई खास फर्क तो नजर नहीं आता मामूली से मदद करके चिपकता क्यों है रे होशियार दिलेर और खूबसूरत लोग तुमसे ही कमजोरी होते हैं चल मेरे साथ मैं तुझे घर छोड़ाऊं छोड़ मेरा हाथ मैं खुद ही चला जाऊंगा बात सुन अच्छे और बुरे मैं दोनों को उनके घर पहुंचा कर आता हूं आ जा चल बैठ बैठ क्या हो गया कुछ नहीं बैठ क्या हो गया गाड़ी रुक हमारी बस्ती आ गई है बस संभाल के बैठ हुई के बड़े हुए गुड्डे हाँ ये तेरी बस्ती है बहुत बहुत शुक्रिया किस बात का शुक्रिया अरे जिंदगी में पहली बार शुक्रिया अदा किया है किसी का अच्छा अच्छा ए सोनिया क्या है जरा यहाँ कुछ नहीं मेरा पर्स मुझे दे जाओ कौन सा पर्स
वही जो अभी अभी तूने मेरी जेब में से उड़ाया है। उनके तो आदत है, जहाँ फूला हुआ पॉकेट देखा बस अपन का उंगली खुद खुद पहुँच जाता है। तो फिर अपन की उंगली को कंट्रोल में रखा करो प्यारे। ठीक है उस्ताद। देखो अब अगर उस्ताद का है ना तो मेरी एक बात याद रखना, आईंदा उस्तादों के साथ कभी उस्तादी ना करना। अच्छा क्या है? बस कौन सा पर्स? उस जेब में। वैसे 100-200 रुपए खर्चे पानी के लिए चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, ले जाओ। अपन ठीक नहीं मांगता उस्ताद, बस खुलिया सलामत रहे। खुदा हाफिज। उंगलियां काटी भी जा सकती हैं प्यारे। क्या हाल है माय बेटी? कितने ब्लॉक बिके आज? क्या बताऊं लाली बेटा, धंधा बहुत मंदा है। ये लोग दुबई क्या गए हैं कि घर घर में फ्रिज आ गई है। फ्रिज सोच रही हूँ कुछ और ही बेचना शुरू कर दूं। कुछ और तो पहले से ही बेच रही हो, अब और क्या बेचोगी? आहिस्ता बोलो बेटी आहिस्ता, ये मोहल्ले के लोग तो पहले ही मेरी जान के दुश्मन हैं। अरे अपन के होते हुए तेरी तरफ कोई आंख उठा कर तो देखे। अरे तू तो मेरी शेरनी है शेरनी, देखना तेरे लिए एक दिन जरूर कोई शेर ढूंढ निकालूंगी। शेर तो मुझे आज मिला था लेकिन उसकी दम नहीं थी। अच्छा हे अम्मा, सुबह तो तू बीमार थी, अभी ठंडे पानी में हाथ डाल रही है, बहु कहाँ है तेरी? लम्बी टांग के कितने अरमान से सिर सजा कर लाई थी। जहाँ बहू है वहाँ सास है, और जहाँ ये दोनों है वहाँ किल किल है। अम्मा ये रख ले कुछ पैसे, अपने लिए दवाई मंगा लेना, समझिए भला करे तेरे लिए। यकीन है कि इस दफा भी तो अव्वल आएगा एकदम फर्स्ट। ये तो आपकी मेहरबानी है बाजी कि आपने मेरे कॉलेज और किताबों की फीस दी। अगर आप ऐसा ना करती तो न जाने मैं भी आज कहीं आलू छोले बेच रहा होता। ऐसी बातें ना क्या कर अब्बू, अरे तुझे तो मालूम है अपन का कोई भाई नहीं है, अपन तो तुझे अपने भाई समझता है। पैसे रख ले और सुन, आइंदा अपन को ऐसी बातें ना सुनाना वरना नाराज हो जाऊंगी। हाँ रोमिन, तुझे कितनी बार मना किया है कि तू काम ना किया कर, तो मैं ना आती तुम्हारे लिए क्या हो जाता? क्या होता? जैसे भी मेरी चारों तरफ कब्र जैसा अंधेरा ही है। मम्मी सारा सारा दिन बैठी अंधेरे की काली दीवार पर मनचाही ही मुद्दे बनाती रहती हूँ। आपके आने का वक्त था, सोचा चाय बना लो। अंधेरों के बाद रोशनी जरूर आती है नौमी, मैं तुझे अंधेरों में भटकने नहीं दूंगी, मैं तेरी आंखें ठीक करा कर ही दम लूंगी। लेकिन बाजी डॉक्टरों को कहा था कि ऑपरेशन भी मुझे आंखों का नूर नहीं दे सकता। अरे पगली, डॉक्टर ने ये भी तो कहा था कि नई आंखें भी लग सकती है। मैंने तेरा नाम अस्पताल में लिखवा दिया है, किसी वक्त भी कॉल आ सकती है। तो क्या मैं सचमुच देख सकूंगी बाजी? अरे क्यों नहीं, लेकिन मुझे आंखें देगा कौन? तो क्यों फिक्र करती है पगली, अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे हैं। चल हाँ, आज भी मैं अपनी मामा के बेड पे सोई। खुदा करे हर नई सुबह तुम्हारे चेहरे पर खुशियों की बहार बनकर चमके। हाँ गुल्लू बाबा, आप हर रोज सुबह उठकर मुझे यही दुआएं देते हैं बड़े प्यार से। कभी कभी तो मुझे ये महसूस होता है जैसे मैं पापा की बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी हूँ, अपने गुल्लू बाबा की। अल्लाह तेरे नसीब अच्छे करे बेटा, और तू एक शहजादी के रूप में
किसी शहजादे के दिल और हुकूमत पर राज करे। गुल्लू बाबा, राबिया बेटी, तुम्हारे पापा तुम्हारे रिश्ते के लिए फिक्रमंद हैं, लेकिन वो अकेले कोई फैसला नहीं करना चाहते, वो तुम्हारी राय जानना चाहते हैं। सिकंदर मेरे बचपन का साथी है, वैसे भी वो एक शरीफ और अच्छे खानदान का फर्द है और मुझे भी पसंद है। राबिया बेटी, तुम एक तालीम याफ्ता लड़की हो और तुम्हारे पापा एक आजाद ख्याल लेकिन नेक इंसान है, उन्हें ये फैसला जरूर पसंद आएगा। हौसला रखो, इतनी जल्दबाजी में ठीक नहीं होती, सब ठीक हो जाएगा। मुझे तुम लोगों पर भरोसा नहीं रहा यार, माल खत्म हो चुका है, सप्लाई बंद है और तुम लोग सिर्फ वादों पर रखाते हो। ठीक दीदी, माय डियर, ठीक दीदी, हमारे वादे जरूर पूरे होंगे। मिस्टर तारा तो ऐसे ही लाल पीले हो रहे हैं, जबकि ऐसी सूरत हाल में जोश की नहीं होश की जरूरत है। तुम लोग होश में हो तो फिर सप्लाई बंद क्यों हुई, पुलिस ने घेरा तंग क्यों कर दिया? घेरा भी टूट जाएगा तारा। कैसे टूट जाएगा? इसका नुस्खा भी हमारे पास है। जहाँ दारा नाकाम हो गया हो वहाँ कोई नुकसान मुकसा नहीं चलता मेरे भाई, कदम कदम पर नाका बंदी है, मुख पर खड़े, और वो डीएसपी सिकंदर ना जाने क्या मुसीबत है, नाक में दम कर रखा है उसने। पुलिस की नाकाबंदियां और मुखबिरों की कलाबाजियां, डीएसपी सिकंदर की तमाम तर सलाहियतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इन तमाम तर मुश्किलात का हल हमारे पास मस्ती खान की सूरत में मौजूद है। चीज नहीं है, तेरे काम की चीज इसके नीचे है, ये लो। वाह मस्ती खान, वाह। बोलो कैसी रही? बस वो जरा डीएसपी सिकंदर है ना, वो मेरे पीछे पागल बना फिरता है, मैं उसे पकड़ा ही नहीं दे रहा और वो है कि फन्ने खा बना फिर रहा है। बस उस बेचारे का भी क्या कसूर, उसे नहीं मालूम कि उसका पाला किससे पड़ा है। मैं भी मस्ती खान हूँ जो हस्ती मिटा देता है, इसीलिए तो हम भी कहते हैं कि मस्ती खान जिंदाबाद। बशीर। यस सर। इस जीप की तलाशी लो। बेहतर सर। जनाब क्यों वक्त जाया कर रहे हैं आप, अपना भी और मेरा भी, इस जीप में आपके मतलब की कोई चीज नहीं है। हर मुजरिम अपने जुर्म पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश करता है मस्ती खान, फिलहाल तुम सिर्फ तलाशी दो, चलो। ठीक है, जरूर तलाशी लीजिए, मैं एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ। इसमें कुछ नहीं मिला। सॉरी मस्ती खान, दरअसल हमें ड्यूटी के दौरान अलर्ट रहना ही पड़ता है और खास तौर पे तुम जैसे लोगों के लिए। कोई बात नहीं, वैसे आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि जो ऊंट पालते हैं उनके दरवाजे भी बड़े होते हैं।
खुदा हाफिज जनाब। खुदा हाफिज। कोई बात नहीं मस्ती खान, आज नहीं तो कल मैं वो बड़ा दरवाजा तुम्हें शुरू। अखबार पढ़ रहा हूं। जादू! ओहो, आ रहा हूं। आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश पकाई है। लेकिन लेकिन आज तो मुझे भूख नहीं है। जादू, कई दिनों से तुम खाना ठीक तरह से नहीं खा रहे, क्या बात है? क्या बात होगी, कुछ भी नहीं। जादू, मेरी तरफ देखो। है? इन बादामी आंखों का जादू मान क्यों पड़ता जा रहा है? आईना देखते हो, हल्के पड़ते जा रहे हैं दिन ब दिन। रोजी, तुम्हें मेरी आंखें बहुत पसंद है। कितनी बार पूछोगे? रोजी, मैंने अपनी ये आंखें अतिया के तौर पर देने के लिए हॉस्पिटल में नाम लिखवा दिया है। लेकिन क्यों? जिंदगी का क्या भरोसा है रोजी? मेरे मरने के बाद मेरी ये आंखें किसी ना बिना के काम आ जाएंगी। जादू, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ। जादू, जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाकर ये साथ छोड़ने की मनोस्पाते क्यों कर रहे हो? मेरे प्यार में कोई कमी हो या मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो मुझे। तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर मेरा दिल बैठ रहा है। तुम्हारे भाई की बेहिसाब दौलत ने नाकारा बना दिया है मुझे। मेरा जमीर मुझे मलामत करता रहता है। आखिर कब तक तुम्हारे भाई के टुकड़ों पे पलता रहूंगा? लेकिन लेकिन अब हो भी जा सकता है। भैया! रोजी, ये क्या तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं तो भैया। झूठ बोल रही है। अरे मैं तुम्हारा भाई नहीं, तुम्हारी मां भी हूं। वो भाई क्या जो बहन के चेहरे से दुख को समझ ना सके? बोल, क्या बात? बोल। अच्छा अच्छा, जरूर उससे कोई झगड़ा हुआ है, वो जो मुंह लटकाए खड़ा है। हाँ, मैं उसे समझता हूँ। जावेद, क्या बात है यार? कुछ नहीं भाईजान। है रोजी से झगड़ा हुआ है? नहीं तो। अरे तो फिर मुंह लटकाए मुंह घुमाए क्यों खड़ा है? सर तो उठाओ, सर उठाओ यार। तूने नशा किया है? सच बोल, तूने जरूर नशा किया है। हीरोइन जावेद, तू हीरोइन पीता है? तूने हीरोइन पी है? बाल! भैया, आपको कोई हक नहीं पहुंचता इन पर हाथ उठाने का। मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। वाकई मुझे कोई हक नहीं पहुंचता। लेकिन इससे पूछो क्या कमी है इसकी जिंदगी में? कौन सा दुख दिया है इसे? क्या वो अपना दुश्मन बन गया है? ये मेरे दुश्मन आप हैं। बहन की मोहब्बत में बहनवी को नकारा कर दिया। हमारे साथ आपका जुनूनी प्यार रोग बन गया मेरी जिंदगी का। मैं एक इंजीनियर था, नौकरी नहीं करने थी, मट्टी का माधु बना दिया मुझे। मेरा दुख यही है कि मुझे कोई गम नहीं, कोई भी गम नहीं, तो फिर मैं क्यों नहीं रहती हूं?
मैं हिरन पीऊंगा, पीऊंगा, जल पीऊंगा। बस करो। नहीं यार, नहीं। तुम नशा नहीं करोगे, तुम नशा नहीं करोगे, जो चाहो करो, मैंने नहीं रोका, मैंने तुझे नहीं रोकना। मुझे रोजी की कसम है जिसमें मेरी जान है, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। लेकिन जावेद, तू ये हीरोइन न पिया कर, ये जहर है, जहर है, जहर है। इतने पैसे किसके लिए कमा रही हो बुढ़िया? एयर कंडीशन कवर बनवाने का इरादा है क्या तेरा? अरे मुँह अच्छा ना हो तो बात तो अच्छी करो लान पियो। देखो बुढ़िया, चुपके से सारे पैसे हमारे हवाले कर दे। क्या तेरे बाप की कमाई है जो तेरे हवाले कर दूँ? बुढ़िया, हम जानते हैं कि तू काला धंधा करती है और हमारे होते हुए ये माल तू अकेली हड़प नहीं कर सकती। अगर तुम जानते हो कि मैं काला धंधा करती हूँ तो फिर मस्ती खान को भी जरूर जानते होंगे जिसका मैं माल बेच रही हूँ। मस्ती खान से डरा रही है मुझे, जिसने कभी जिंदगी में मक्खी तक नहीं मारी। मैं बंदे मारता हूँ, मक्खियाँ नहीं, चूहे। याद रख, मस्ती खान हस्ती मिटा देता है। चल रे लाली, आज उस दशकरे का एहसान भी उतार ही दे। पहला अल्लाह
दूजा मोहम्मद तीजा नाम अली इश्क की अजरक बात के सर पे ना तू गले गले पहला अल्लाह दूजा मोहम्मद हवेली यही पड़ा सब रह जाएगा हीरा मोती ऊंची हवेली यही पड़ा सब रह जाएगा खाली हाथ ही आया था तू खाली हाथ ही आया था तू खाली हाथ चला जाएगा बात कर ऐसी सबसे जैसे मिस्री की हुडली पहला अल्लाह दूजा मोहम्मद न दौलत के पीछे तू दौलत जोगे का फेरा है सब रिश्ते हैं वक्त के साथ ही सच्चा दोस्त फकत अल्लाह है मांगना है तो मांग उसी से वो ही करेगा भले पहला अल्लाह दूजा मोहम्मद सराए पल दो पल है सबका बसेरा ये दुनिया है एक सराए पल दो पल है सबका बसेरा नाज न कर तू इस दुनिया पर नाज न कर तू इस दुनिया पर ये घर तेरा है ना मेरा और अंधेरा छा जाएगा धूप जो सर से ढली पहला अल्लाह दूजा मोहम्मद तुम्हारे लिए चाय लेकर आई चातू अभी तक ना उठो भैया की बातों को बुरा मत बनाया करो वो तो ऐसे ही कहते हैं उनके दिल में कुछ नहीं होता चातू उठो भाई अरे उठो ना चादू क्या हो गया है तुम्हें चादू चादू
जावे। जावेद बेटे तेरा जादू सो गया है हमेशा के लिए। गुनाहों के दाग जलाने के लिए आग के दरियों में कूद भी सकता है। मुझे माफ कर दे मेरी बहन, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं तेरे जादू को वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन लेकिन ऐसे हजारों बेगुनाह मासूम नौजवानों को बेकसी की मौत नहीं मर दे दूंगा। जिन्होंने मुझे शैतान का साथी बना दिया, काट डालूंगा मैं वो हाथ, वो शैतानी हाथ जिन्होंने मुझे धक्की हाथे देकर मेरे जमीर को ही सुला दिया, मेरे जमीर को ही सुला दिया। मैं काट डालूंगा वो हाथ, काट डालूंगा वो हाथ। रहीम है। ए मस्ती खान, तेरा
कर जाओ, चुप कर जाओ माँ जी, अब तो मुझे और बद्दुआएं ना दो, अब मेरे पास क्या रह गया है माँ जी, क्या रह गया है मेरे पास। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। एक हफ्ते बाद पट्टी खुल जाएगी, आपकी बहन हम सब की तरह देखने लगेगी। आपकी बहन? इनके मरहूम शौहर की आंखें आपकी बहन को लगी हैं। आप कितने अजीम हैं, पर आपके एहसान नहीं भुला सकता। इसमें एहसान की कौन सी बात है, ये तो उनकी वसीयत थी। हेलो, जनाजा नीचे रखो। मैं अल्लाह के इस नेक बंदे की सूरत देखना चाहता हूं। गिरफ्तार कर लें सबको। खान मुझे न मान, मेरा कोई कसूर नहीं मुस्ती खान, खुदा के वास्ते मुझे नहीं माना मुस्ती। तो फिर कसूर जावेद ही का था जो खुद चलकर तुम्हारे पास आता था? नहीं बोल, किसका कसूर था? दारा का कसूर। दारा कहाँ है दारा का ठिकाना? वो दारा का ठिकाना वो दारा का। कभी नहीं हारा टैगर, बगैर मुखबिरी के असला पकड़ा ही नहीं जा सकता, शक ही नहीं किया जा सकता जनाजे पर। तुम्हारी प्लानिंग फेल हो गई है, इसलिए कि तुमने मस्ती खान की नकल करने की कोशिश की थी। टैगर, मस्ती खान का नाम न लो मेरे सामने, बेनोई की मौत ने उसे नाकारा कर दिया है, अब वो किसी काम का नहीं रहा। लेकिन भाई आप हैं कौन ये भी तो बताइए। देखिए जनाब, मैं एक टेलीफोन कॉल पे तो छापा मार नहीं सकता। स्टॉप। जी जी ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं खुद चेक कर लूंगा। आपने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। गिरफ्तार कर ले सबको। फिलहाल तो बिल्कुल ठीक है। इतना बड़ा नुकसान, हजारों किलो पाउडर और इतना कामयाब छापा, आई डोंट बिलीव इट। करीबी हैसियत रखने वाले मुखबर ने मुझे छौंका दिया है। अब शहर में हमारे और डिपो भी गैर महफूज हो चुके हैं चेक, और ये सब कुछ उस डीएसपी सिकंदर का किया धरा है। कुछ पता लगा कौन है लोग, किसके आदमी है? नहीं सर, दरअसल मामूली बकर है, इन लोगों को मालूम नहीं इनका सरगुना कौन। तो भाई आप लोग इंक्वायरी क्यों नहीं करते, मालूम करें कौन है ये लोग। अपन को इन गुंडों लोगों से बचा लीजिए, इन लोगों ने मार मार कर अपन को हड्डी पचली एक कर दिया। अच्छा बात, क्या बात है भाई, क्यों मारा आप लोगों ने? क्या बात है, क्यों मारा? पीछे हटो, क्यों मारा आपने से? जनाब ये वैगन में जेब काटा था चक्का, और वो मैंने देख लिया और वादा करते मैंने पकड़ लिया। जनाब ये खानदानी जेब कुतरा जनाब। अच्छा बात, खामोश हो, ये ठीक कह रहे हैं? नहीं ये झूठ बोलता है साला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि अपन ने पॉकेट मारा है? हाँ बस पीछे हटो, क्या बात है आपके पास, सबूत है कोई आपके पास? हाँ सबूत है। आराम से खड़े रहो, क्या सबूत है आपके पास, किसने जेब काटी? सबूत तो नहीं है। बड़े अफसोस की बात है चाचा, बगैर सबूत के आप लोग खामखाई लोगों को मारना शुरू कर दो। बात करो तो मुझे आइंदा जरा ख्याल रखिए, और बगैर सोचे समझे कानून को हाथ में मत लीजिए, चाहे आप लोग अपना काम करें।
अपन को एक कप चाय मारो। खड़े हो, खड़े हो। ये थाना है, कोई होटल नहीं है जी। एक कप चाय मारो। क्या नाम है तुम्हारा? लाली। क्या? लाली। काम क्या करते हो? काम? गरीबों की मदद। बशीर। जी सर। इनकी तस्वीरें बना के शहर के सारे थानों में तकसीम करवा दो और इनकी हिस्ट्री शीट भी खोलो। ऐसा ना कीजिए माँ बाप, ऐसा ना कीजिए। अपन का हिस्ट्री शीट खुल गया तो अपन बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। साथी, साथी, हम आपको क्या बोले? अपन का एक बहन है जो जो आंधी है, आजकल वो अस्पताल में है, और वो गरीब लोग जो सुबह से शाम तक अपन का इंतजार करते हैं, भूखा मर जाएंगे साथी, भूखा मर जाएंगे। लाली। तुमने कभी सोचा कि ये सारा दिन जो तुम लोगों की जेबें काटते फिरते हो सकता है उनकी जेबों में भी किसी अंधी बहन के लिए दवाई और रोटी के लिए पैसे हो? अगर वो भूखे मर जाए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? साहब जी, अपन को एक बार माफ कर दो, फिर अपन। ठीक है हैदर, इस दफा मैं तुम्हें इसलिए माफ कर रहा हूँ कि कानून का काम सिर्फ सजा देना ही नहीं, इसलाह करना भी है। लेकिन आइंदा तुमने ऐसे किया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। समझा? शुक्रिया साहब जी। सुनो जी, ये अपना हुलिया भी जरा ठीक कर लेना। चलो चलो चलो। ठीक है साहब जी। बशीर। जी सर। कोई मेरा टेलीफोन आए तो घर फोन करवा दे। बेहतर सर। नवाब जी, प्लम्बर को फोन किया था? जी हाँ बेगम साहिबा। अच्छा जाओ, काफी दिन से सिकंदर के बाथरूम का नल खराब था। ये बड़ा घर भी एक मुसीबत है, कोई ना कोई गड़बड़ होती रहती है, और ये काम करने वालियां, उफ, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कोई टिकती ही नहीं। इसका मतलब है आप नौकरानी के बगैर काफी परेशान हैं। अरे अगर आपको मम्मी जान की तकलीफ का इतना ही एहसास है तो फिर आप यहाँ शिफ्ट हो जाएं। तो तुम सेहरे बांधकर इसे इस घर में ले आओ। अम्मी जान, सेहरा बांधने से पहले इसके इतने नखरे हैं, सेहरा बांध लिया तो मेरे गले में पट्टा बांध देगी। तुम्हारी किसको परवाह, मैं तो अपनी मम्मी से मिलने आई हूँ। अच्छा तो फिर मम्मी से मिले मैं चला। झगड़ा खत्म भाई, बैठ जाओ बैठ। अरे झगड़ा मैं करता हूँ, झगड़ा ये करती, इसको कुछ नहीं बोलती। बस ना, क्या हो गया है? साबिया बेटी, चंद दिन तक मैं तुम्हारे डैडी से बात करने आऊंगी। लो, बात करने से पहले ही खतरे की घंटी बज गई। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। आ गए अस्पताल? जी हाँ। नुमी कैसी है? नुमी की तबीयत तो पहले से काफी बेहतर है। अच्छा जी हाँ। ये क्या है सर पढ़ना? ये तो बाजी किसी डॉक्टर की दवाइयों की पर्ची है। तुमने कभी सोचा कि ये सारा दिन जो तुम लोगों की जेबें काटते फिरते हो सकता है उनकी जेबों में भी किसी अंधी बहन के लिए दवाई और रोटी के लिए पैसे हो? ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। चुप हो जाओ नरगिस, खुदा के लिए चुप हो जाओ, सब्र करो। सब्र करने के सिवा हम कर भी क्या सकते हैं? ये दवा। दवा? मगर किसकी दवा? आपके घर में शायद कोई बीमार है। जी नहीं। ये पर्स आपका नहीं? पर्स तो मेरा ही है, मगर आपको कहाँ से मिला है? जी वो मैं लगता है कि तुम्हें ही मेरी जेब काटी है। अगर आप इस दवा का क्या फायदा है?
बीमार तो मर चुका है। देखकर मैं इतना जरूर जान गया हूं कि तौबा के दरवाजे तुम पर भी खुल चुके हैं। मस्ती खान की जमाना शनास आंखें तुम्हें पहले ही पहचान गई थी। लाली लाली, तुम एक औरत होकर अपनी इज्जत और अपनी बहन के लिए, अपनी अंधी बहन के लिए जो कुछ इस समाजे में कर रही हो और जिस तरह तुमने गुजारा किया है, ये सब कुछ काबिले माफी है। कल मेरी बहन की पट्टी खोलने वाली है, वो बहुत जल्द दुनिया देख सकेगी। मैं जानता हूँ लाली, मैं सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ मालूम है मुझे। शायद तुम ये नहीं जानती कि तेरी बहन को जो आंखें मिली हैं वो मेरे बहनोई की ही है। ऐसे ही थे या आपने उन्हें रोका ही नहीं? नहीं नोमी, वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत अच्छे और खुददार इंसान थे। कॉलेज लाइफ में हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, फिर शादी हुई। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दुनिया जहां से बेगाने अपनी जन्नत में। Thank you.
शरबत की छांव में सपनों के गांव में मिलजुल के एक घर बनाएंगे 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 शरबत की छांव में सपनों के गांव में मिलजुल के एक घर बनाएंगे 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 जीवन का बंधन शरबत की छांव में सपनों के गांव में मिलजुल के एक घर बनाएंगे 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 है मेरा। देखो रोजी, ये दुनिया तो घर है दुखों का। यहाँ नए से नए जख्म लगता है आदमी को। हर वक्त यादों में खोए रहने से जख्म हरा ही रहता है। और तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो। हाँ, इसमें शक ही क्या है।
आखिर बहन किसकी है? मस्ती खान की है। अब तो मुस्कुरा दो, मुस्कुराओ भैया। मैं सारा वक्त घर में बैठे रहने से बोर हो जाती हूँ। मैंने सोचा है इस बस्ती में एक स्कूल खोल लूं। मेरा वक्त भी कट जाएगा और इस गरीब बस्ती के बच्चे जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं है तालीम हासिल कर लेंगे। अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत ही नेक काम है। हाँ, हमारे घर के पीछे वाला मकान खाली है, उसमें कल ही से तुम्हारे लिए स्कूल का बंदोबस्त हो जाएगा। शुक्रिया भैया, आपकी इजाजत है ना? अरे नेक काम में इजाजत की क्या जरूरत है, मैं तो खुद चाहता हूँ कि तू कहीं ना कहीं मसरूफ रहे है? लेकिन देखो आइंदा ये हुलिया नहीं होना चाहिए। अगर हमारे बच्चों की खुशी इसी में है तो हमें एतराज नहीं होना चाहिए। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन एक बात की समझ नहीं आती, इतना काबिल बेटा है आपका, इसे पुलिस में ही क्यों लगवाया? कोई और बिजनेस नहीं कर सकता था ये इसके बाप की ख्वाहिश भी थी और इसके अब्बू की वसीयत। अच्छा अच्छा, बाय द वे मैं पूछ सकता हूँ इनके वालिद का नाम क्या था? DSP अजमतुल्ला शहीद। आपने तो अपनी सारी जिंदगी बेवा होकर गुजार ली, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी का भी वही हशर हो जो आपका है। आई एम सॉरी, मुझे इस रिश्ते से इनकार है। मुझे अपनी बेवगी पर फख्र है भाई साहब, और मैं अपने बेटे से भी यही उम्मीद रखती हूँ कि ये अपने बाप का मिशन पूरा करेगा। चलो सिकंदर। आइए मम्मी। डैडी, आपने सिकंदर की मम्मी को नाराज करके अच्छा नहीं किया। आपको ये फैसला मेरी मौत का फैसला है। मालिक, आपको राजा बेटी की खुशियों का ख्याल रखना चाहिए था। मैंने चौकट बेटा, मैं फिक्रमंद नहीं, हैरान जरूर हूं। तुम तो एक पुलिस ऑफिसर हो, क्या तुम हशमत सेठ के इनकार की वजह जानते हो? मम्मी, मेरे ख्याल में वजह जो कुछ भी हो, लेकिन वो नहीं जो उन्होंने बताई। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, या तो वो शख्स हमें आजमाने की कोशिश कर रहा है या फिर, खैर छोड़ो इन बातों को। क्या बात है? क्या सोच रही है? मैं ये सोच रही थी कि हमारा मिशन कब पूरा होगा। बहुत जल्द, बहुत जल्द। अलबत्ता यहाँ शैतानों की भरमार है, एक मानो तो हजार पैदा होते हैं। उन्हीं शैतानों में से एक शैतान का पता चल भी गया है। कौन है वो? तारा। क्या आज बहुत देर कर दिया? मैं बहुत सख्ती है तारा, मैं आज समझो मैं मौत के मुंह से बच के निकल आई हूँ। यहाँ तुम्हें किसी आते तो नहीं देखा? नहीं तारा, मैं सबकी नजरों से बचते बचाते आई हूँ। तो बचकर आ गई है, मगर तुम बचकर नहीं जा सकते। तारा कभी नहीं आ रहा मस्ती खान। लेकिन बोलो, लेकिन तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? मुझे तो कुछ भी याद नहीं। कुछ भी याद नहीं, कुछ भी याद नहीं। घाव लगा कर भूल गए, जख्म खा कर सब कुछ याद आ जाएगा। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों नहीं? इसलिए कि जब तक जैक और टाइगर के हाथ उनके बाजुओं के साथ सलामत हैं, मुझ पर हर सुख चैन हराम है। मुझे अपनी बेवा बहन के चेहरे पर हजारों माओ बहनों के उदास चेहरे नजर आते हैं। मैं खुशियां नहीं मना सकता लाली, मैं खुशियां नहीं मना सकता। तुम परेशान ना हो, आखिर हम उनको तलाश कर ही लेंगे। मैं
आजा दिलबर जाना आजा आजा शबनम हूँ मैं शोला बना जाता दिलबर जाना आजा आजा शबनम हूँ मैं शोला बना जा मामा मिया मामा मिया मामा मिया मामा मिया मामा मिया मामा मिया और मौत का खेल कितना दिलचस्प है टाइगर।
जिंदगी चाहते हो तो जय का असली रूप बेनकाब कर दो। बोलो बोलो बता दो, बोलो बता दो। जैक, मैं तेरे चमचों के हाथ काटता काटता तेरी गर्दन तक पहुंच जाऊंगा। नहीं, जिसे मैंने अपने हाथों से कत्ल कर दिया, मैं उसके बेटे से राजा की शादी कैसे कर सकता हूं? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा। सिकंदर, सिकंदर, मैं उसे भी कत्ल कर दूंगा, मैं उसे भी मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा, सबको मार दूंगा, सबको। जैक ऑन द लाइन। ठीक है, अच्छा मंसूबा है, तुम अमल शुरू कर दो। दैट्स ऑल। गुलू बाबा, गुलू बाबा। जी सरकार। तुम यहां कब से खड़े हो? मैं कब से यहां हूं मुझे नहीं मालूम, मैं किस मुखातिब हूं नहीं जानता। तुम सेठ हशमत हो या जैक, मैं समझ गया हूं, लेकिन लेकिन मेरा दिल मेरे दिमाग का साथ क्यों नहीं दे रहा है? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा है कि तुम सिकंदर के बाप अजमतुल्लाह के कातिल हो? मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि तुम एक दर्दमंद इंसान सेठ हशमत भी हो और एक बदतरीन इश्तिहारी मुजरिम जैक भी? शायद इसलिए कि मेरा वजूद तुम्हारी गुलामी के बोझ तले दबा हुआ है, लेकिन लेकिन मैं अपने जमीर अपने रूह को कहां ले जाऊं? मैं क्या करूं? मैं बताता, गोली मत चलाना जैक, मैं तो तुम्हारा दूसरा रूप देख मर गया था। इसके सिवा मैं और कर ही क्या सकता था? मैं जानता हूं कि तुम मेरे बहुत वफादार मुलाजिम थे, लेकिन तेरी मौत मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं जिंदा और आजाद रहना चाहता हूं अपनी बेटी के लिए, अपनी बेशुमार दौलत के लिए जिसके लिए मैं जैक बना हूं। जैक, मुझे माफ कर देना, मुझे बेटी, मैंने बहुत जंग की है मौत से। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी बाबा। तुम्हें एक नजर देखने की ख्वाहिश ने अब तक जिंदा रखा है मुझे बेटी। बाबा, मुझे उस जालिम का नाम बताओ जिसने तुम्हें मारा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
बोलो बाबा, जल्दी बोलो। मुझे मारने वाला तुम्हारा बाप है, सिकंदर के बाप को मारने वाला भी तुम्हारा बाप है। लेकिन बाबा, तुम्हारा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है बेटी, कि मैं असल में जान गया था सिर दशमत ही जैक है। गुलबाबा, क्या हो गया? किसने कत्ल किया है गुलबाबा को? राबिया बेटी, ये सब कुछ क्या हो गया है? सेफ भी खुला है, नकदी जेवरात सब कुछ गायब है, गाड़ी भी गायब है, चौकीदार भी गायब है, ये सब कुछ क्या हो गया है? तुम रो ना बेटी, मैं कातिल को जरूर गिरफ्तार कराऊंगा, उसे सजा दिलवाऊंगा। मैं पुलिस स्टेशन अभी फोन करता हूँ, अभी करता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। वो चौकीदार कब से था आपके पास? 2 साल हो गए होंगे बामुश्किल। पहले मेरे एक दोस्त के पास था, वो अमेरिका शिफ्ट हो गया तो मेरे पास चला आया। कमबख्त माल भले ले जाता, लेकिन मेरे इतने वफादार मुलाजिम को गोली न मारता। गुलू बाबा ने बहुत मुजाहमत की होगी, लेकिन वो अपने मकसद के लिए बेरहम हो गया होगा। लाबिया बेटे, गुलू बाबा का कत्ल, लेकिन किसने किया? सेठ साहब की स्टेटमेंट के मुताबिक यह कत्ल चौकीदार ने किया है, लेकिन मेरी छटीस कहती है कि मामला कुछ और है। मैं तो ये सोच रही हूं सिकंदर, बेचारी राबिया का क्या हाल होगा? वो तो गुलू बाबा को ही अपना बाप समझती है। मामी, राबिया की खामोशी बताती है कि जरूर वो इस केस के बारे में जानती है। राबिया बेटे, राबिया बेटे, चलो कपड़े बदलो। ये क्या हालत बनाई है तुमने? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? राबिया बेटे, सबको एक दिन मरना है। गुलू के मरने का गम मुझे भी है बेटे। एक मुलाजिम की मौत पर इतना शोक? आपकी नजरों में गुलू बाबा की हैसियत एक मुलाजिम की हो सकती है, लेकिन मेरे लिए वो माँ भी थे और बाप भी। उनका प्यार, उनकी शफकत मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी नहीं भुला सकती। मुझे उनका गम जीने नहीं देगा डैडी, मुझे तन्हा छोड़ दीजिए और जाइए, जाके दौलत इकट्ठी कीजिए और इस मकसद के लिए जो जी में आए कीजिए। बेटे, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं जा रही हूं अपने कमरे में। इस राज को मत छुपाओ राबिया,
सिकंदर को बता दो कि तुम्हारा बाप सेठ हशमत नहीं बल्कि गुलू बाबा का कातिल है। बदनामे जमाना चेक है, चेक है। नहीं नहीं, सिकंदर को बता दो कि तुम्हारा बाप वो नहीं जो नजर आता है, वो असल में जैक है, जैक है, जैक है, जैक है। हेलो, आ रहा भैया? हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को संभालो। हाँ प्लीज, बस मैं पहुंच रहा हूँ दो मिनट में। हाँ खुदा हाफिज। सेठ हशमत और जैक मेरी अस्मत का कातिल, ये तुम क्या कह रहे हो सिकंदर? बजाहिर ये बात नामुमकिन है मम्मी, लेकिन कोई भी बेटी अपने बाप पर इतना बड़ा और झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। शराफत के लिबादे में छुपा हुआ शैतान आखिर सामने आ ही गया। तुम्हारी वजह से मैं पुलिस की निगाहों में आ गया हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम कैसी नालायक बेटी हो, अपने बाप के खिलाफ भूख बड़ी करती हो। मेरा पद चले तो मैं तुम्हारा ये रूप सारे जमाने को दिखा दूँ। तुम अगर मेरी बेटी ना होती तो मुझे नहीं लगती मैं तुम्हारी। तुम्हारी औलाद तो सिर्फ दौलत है, दौलत। ये तुम नहीं, तुम्हारे अंदर वो सिकंदर बोल रहा है। तुम तो मेरी बेटी हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उस सिकंदर के बच्चे को ऐसी दलालत की मौत मारूंगा कि दुनिया थूकेगी उस पर। कुछ नहीं तुम बिगाड़ सकते सिकंदर का जैक। क्या मौसी खान और सिकंदर आपस में एक हैं? मौसी खान, मस्ती खान, मस्ती खान, मस्ती खान। बच गया? क्यों बच गया? हराम खोरो, एक आदमी को तुम लोग मार ना सके, मस्ती खान का पूरा खानदान उठाकर यहां ले आओ। और सुनो, अगर इस दफा वो बच गया तो तुम में से एक नहीं बचेगा, एक एक को गोली से उड़ा दूंगा, आग लगा दूंगा सबको, खत्म कर दो सबको। क्या रिपोर्ट है? आज मस्ती खान का पूरा खानदान यहां पहुंच जाएगा, और उनके यहां पहुंचने से पहले तुम लोग जेल पहुंच जाओ। चलो मेरे साथ। तुम्हारा पीछा
करते करते ये डीएसपी का बच्चा हमारे खुफिया ठिकाने तक पहुंच गया था। ये नाकाबिले माफी जुर्म है टाइगर, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। इसलिए कि तुम्हारे इस गलती की वजह से एक बहुत बड़ा दुश्मन हमारे कब्जे में आ गया। अगर सिकंदर को कुछ हो गया तो जिंदा मैं भी नहीं रहूंगी। ले जाओ इसे और उसके खाने में बंद कर दो। देवा मां और अपनी खरच जवानी पर तरस खाओ सिकंदर, अब भी मौका है। राबिया की जिंदगी और मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना कानून अपने सबूत से हाथ धो बैठेगा और तुम्हारी मां जिंदगी के आखिरी दिनों में दल बदल की ठोकरी खाते फिरेगी। अगर मेरी मां तुम जैसे गद्दारों के हाथों बेवा हो सकती है तो फिर वो मेरी जिंदगी का रिस्क भी ले सकती है। याद रखो वतन रिस्क के गद्दारों, मैं अपने फर्ज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूं। यह रस्ते खान की बहन बहन आ रही है वो। वंडरफुल, तो ये है वो खूबसूरत बला जिसकी वजह से मेरा हाथ कटा था। और ये मस्ती खान की बहन अच्छी है। अपने नापाक हाथों को संभाल कर रख शैतान, मस्ती खान की तलवार तुझसे ज्यादा दूर नहीं। खामोश। आज तक मस्ती खान हमारे आदमियों के हाथ काटता रहा, हमारे आदमियों को नचाता रहा, लेकिन आज आज हम उसके पूरे खानदान को नचाएंगे।
लगेगी जिसमें दम हो सामने आए जुल्म के डर से सर जो झुकाए वो भी जालिम ही कहलाए आज लहू से जश्न मनाएंगे हम गली गली पहला अल्लाह दूजा मोहम्मद तीजा राम अली इश्क की अजरक ओढ़ के सर पे नाचू गली गली पहला अल्लाह दूजा मोहम्मद गंदी खोपड़ियों को उड़ा के रख दूंगा तुम सब इस मुल्क के शहरियों को जाहिल और गवार समझते हो जब चाहा आपस में लगा दिया और जब चाहा नशे का आदि बना दिया क्या हम खिलौने हैं और तुम खिलाड़ी नहीं हर किस नहीं कसम खुदा की जमाने की करवटों ने हमें एक होकर जीने और एक होकर मरने का पुराना सबक याद दिला दिया है अब तुम खिलौने हो और हम खिलाड़ी
बबली, ये तूने क्या किया? बबली, ये तूने क्या किया? मैंने वही किया भैया, जो जो एक बहन को करना चाहिए था। मेरी प्यारी बहन, भैया अगर मेरी रूह को सुकून बख्शना चाहते हो तो इन शैतानों में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ना। बबली, बबली ना, ना, बबली। चाहूं तो इस बंदूक की पूरी गोलियां तेरे सीने में उतार के अपने बाप के खून का बदला ले सकता हूं, लेकिन मैं तुझे गिरफ्तार करके कानून के हवाले करना चाहता हूं। चल मेरे साथ, मेरा रास्ता छोड़ दो। चल मेरे साथ, मैं कहता हूं मेरा रास्ता छोड़ दो। मैं कहता हूं चल मेरे साथ। ले जाने नहीं दूंगा। बेवकूफ मत बनू बत्ती खान, मैं तुम्हें अपने अरबों रुपयों में पार्टनर बना दूंगा। पार्टनर मुझे नहीं चाहिए, ये दौलत नहीं चाहिए, मुझे मेरे वतन की इज्जत और नामूस चाहिए, मेरे मुल्क की बका चाहिए। नीचे उतरो जात। ओह बत्ती खान, बस जहाज तबाह होने वाला है, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा, छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा।
चाचा जी। साहब जी, हमारा क्या, आप जैसे ऑफिसर की हमारे मुल्क को जरूरत है। तुम फिक्र न करो साहब जी, वो भागकर कहीं नहीं जा सकता। मस्ती खान, जहाज डिस्बैलेंस हो रहा है, मेरे साथ साथ तू भी खत्म हो जाएगा। मुझे परवाह नहीं, ऐसी हजार जिंदगियां वतन पर